शांता और भूपति नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम श्रीधर था। श्रीधर के पत्नी का नाम करिश्मा था। करिश्मा एक गरीब घराने की लड़की थी। कहने को गरीब तो थी लेकिन दिल की बहुत अमीर थी। दूसरे बेटे का नाम गिरिधर था। गिरिधर की पत्नी का नाम अंजलि था। अंजलि एक अमीर घराने की लड़की थी। उसको इस बात का बहुत गर्व था। हमेशा अहंकारी की तरह बर्ताव करती थी। बड़ी बेटी करिश्मा कहने के लिए गरीब घराने से थी लेकिन सारे काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती थी और सारे परिवार की बहुत इज्जत भी करती थी। शांता को भी हमेशा यही लगता था कि करिश्मा से भी अच्छी और बेहतर बहू उसकी छोटी बहू है, इसलिए हमेशा उसको अपने सर पर चढ़ाए रखती थी। एक बार की बात है कि बड़ी बहू रसोई घर में खड़ी खाना बना रही थी, तभी वहाँ छोटी बहू आती है जिसको देखकर शांता उससे कहती है, अरे ओ बड़ी बहू, क्या कर रही हो? कब तक खाना बनाती ही खड़ी रहोगी रसोई में? कपड़े कब धोकर सिखाओगी? सारी की सारी धूप ही शायद चली जाएगी। इतना आहिस्ता से काम करती हो। अरे बेटी अंजलि, तू यहाँ क्या कर रही है? जा बेटा जा, जाकर ना हॉल में बैठकर आराम से टीवी देख। तेरे तो इतने महंगे कपड़े हैं ना, रसोई में खराब हो जाएंगे। जा जा। हाँ माँ जी, आप तो बिल्कुल ठीक कह रही है। सच में ही मेरे कपड़े बहुत ही महंगे हैं। आपको पता है ये साड़ी मेरी भाभी ने केरला से मंगवाई थी। वैसे यही नहीं, मेरी तो सारी की सारी साड़ियाँ बहुत महंगी है माँ जी। और वैसे भाभी, ये आपकी साड़ियाँ ऐसी अजीब सी क्यों होती है? क्या आपके मायके वालों ने अच्छी साड़ियाँ नहीं दी क्या? ऐसे कह रही हूँ, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना दीदी, लेकिन ये बहुत ही गंदी और घटिया लग रही है। ऐसी साड़ियाँ पता नहीं कहाँ से खरीदती हो तुम। छी। अंजलि की कही ये बात सुनकर बेचारी करिश्मा बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं कहती। अपना काम खत्म करके कपड़े धोने के लिए बाहर चली जाती है, लेकिन ये सब कुछ उसका देवर सुन रहा होता है। तभी उसके भाभी के पास आकर कहने लगता है, भाभी इतने दिनों बिल्कुल माँ की तरह तुमने मेरा ख्याल रखा था, लेकिन आज मेरी पत्नी की बातों की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाभी। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर दो भाभी। अरे गिरिधर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कोई बात नहीं, मुझे अंजलि की किसी भी बात का बुरा बिल्कुल नहीं लगा। तुम परेशान मत हो ना, छोटी बच्ची है ना, संभल जाएगी। और इस घर में नई नई आई है, उसको सब कुछ समझने में थोड़ा बहुत वक्त तो लग ही जाएगा। तुम इन बातों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, ठीक है? इतनी बात कहकर गिरिधर वहाँ से चला जाता है। करिश्मा को बहुत दुख हो रहा था ये सब कुछ देखकर, लेकिन फिर भी वो बेचारी कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। करिश्मा ने अपने सारे काम पूरे कर लिए थे। शाम हो गई थी। नई बहू को देखने के लिए उस गांव के कुछ लोग शांता के घर पहुंचने वाले थे, और तो और उन्हीं में अंजलि के भी दो दोस्त थे जो कि उससे मिलने के लिए शाम को घर आने वाले थे। देखते ही देखते शाम हो जाती है और गांव के कुछ लोग उनके साथ साथ अंजलि के दोस्त भी घर पहुंच जाते हैं, जिनको देखकर शांता जोर से चिल्लाती है, अरे ओ करिश्मा कहाँ मर गई? तुझे पता नहीं है क्या, घर में सारे मेहमान आ चुके हैं, उनके लिए चाय कॉफी और हाँ गर्मा गर्म पकौड़े बना कर लाना, और थोड़ा जल्दी कर। अरे हाँ भाभी, वो मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। मेहमानों के सामने ना तुम्हारी ये पुरानी वाली साड़ी मत पहन कर आ जाना, कोई अच्छी सी साड़ी पहन कर आना। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? इतनी बात कहकर हॉल में जाकर सबके आगे बैठ जाती है। उसको देखकर उन लोगों में से एक औरत कहती है, अरे वाह, तेरी छोटी बहू तो बहुत सुंदर लग रही है। इतनी महंगी साड़ी और इतने महंगे गहने, वाह तारीफ के काबिल है। सच कहूँ तो तू बहुत ही भाग्यशाली है शांता, इतनी खूबसूरत बहू जो मिली है। उन लोगों की बातें चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर करिश्मा चाय और गरम गरम पकौड़े लेकर पहुँचती है। करिश्मा को वहाँ देखते ही अंजलि कहती है, अरे ये क्या भाभी, मैंने तो तुमसे पहले भी कहा था ना कि कोई अच्छी सी साड़ी पहन कर आ जाओ, लेकिन यही घसी पिटी साड़ी।
ओह माफ करना भाभी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारे पास तो यही पुरानी साड़ियाँ पड़ी है। अब तुम क्या करोगी? ठीक है, कोई बात नहीं भाभी, मेरे दूसरे भैया ना मुंबई से साड़ी लेकर आए थे मेरे लिए, और वो बहुत ही सुंदर साड़ी है भाभी। एक काम करना, उसको पहन लेना, वो तुम पर अच्छी भी लगेगी। मैं तुमको दे दूंगी। और हाँ, वैसे त्योहार आने वाला है ना, त्योहार में तुम क्या पहनोगी? वही पुरानी वाली साड़ी क्या? अरे बाप रे बाप, क्या कहूँ मैं तुम्हें। कोई बात नहीं है भाभी, ज्यादा हिचके जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मुझे अपनी बहन मानो और जो चाहिए वो मुझसे मांग लो, मैं दे दूंगी ना। इस तरह सारे लोगों के सामने अंजलि ने करिश्मा की बहुत बेइज्जती की थी, जिसको लेकर बेचारी करिश्मा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। ऐसे रोते हुए जाते अपनी पत्नी को देखकर श्रीधर परेशान होता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है। मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना गिरिधर की तरह। अगर पढ़ा लिखा होता तो मैं भी कोई अच्छा काम करता और ज्यादा पैसे कमाता। सारे लोग तुझसे ऐसी बातें कर रहे थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसके लिए मुझे माफ कर दे। लेकिन हाँ, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि एक दिन मैं भी तेरे लिए बहुत महंगे कपड़े और बहुत महंगे महंगे गहने जरूर खरीदूंगा। पति की ये सारी बातें सुनकर करिश्मा उसके पति से कहती है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी इतना प्यार करने वाला पति मेरे साथ है, इससे बढ़कर और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके पति से ये भी कहती है कि ऐसे घर के बातों के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, और रही बात कमाने और पैसा जमा करने की, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा हो या बड़ा, मेहनत तो मेहनत होती है। इस तरह की सारी बातें कहकर वो अपने पति का पूरा साथ देती है। पत्नी की बातें सुनकर श्रीधर को भी थोड़ा अच्छा सा महसूस हुआ था। कहती है कि आप भी जाकर अपने काम देखिए और मैं भी रसोई में जाकर खाना बनाने का काम देखती हूँ। वो दिन ऐसे ही गुजर जाता है। फिर दूसरे दिन करिश्मा सारा काम खत्म करके कपड़े सुखाने के लिए अपने घर के आंगन में चली जाती है, और तभी वहाँ अंजलि के दोस्तों में से एक दोस्त वहाँ पहुँचती है और जोर जोर से चीखने लगती है, शांता मौसी, ओ शांता मौसी। उस लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनकर शांता अपने घर से बाहर आती है, और इससे पहले ही करिश्मा उसके पास जाती है और उससे पूछती है, अरे मानसी तुम आओ आओ, क्या काम है, कुछ काम से आई हो क्या? हाँ हाँ, वैसे काम तो मुझे था लेकिन तुमसे नहीं था, मुझे तो काम अंजलि से था, क्योंकि वो शहर से आई है ना, उसके पास बहुत ही महंगे महंगे और अच्छी अच्छी चीजें होती है। वो बात असल में ये है कि पड़ोस के गांव में मेरी नणंद रहती है, कल उसके बच्चे का नामकरण है, तो मैं चाहती थी कि कोई महंगी सी साड़ी और अच्छे से गहने पहन कर जाऊं, इसलिए सोचा कि अंजलि से सारी चीजें लेकर जाऊंगी। उस लड़की की ये बात सुनकर करिश्मा को बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। उसको लग रहा था कि घर के लोग तो वैसे ही उसकी इज्जत नहीं करते, लेकिन बाहर वाले लोगों का भी ऐसे बर्ताव करना उसको बर्दाश्त नहीं हुआ था। भागती ही हुई वहाँ से चली जाती है और रोती हुई एक मंदिर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने क्या पाप किया है? सारे लोग मुझसे इतना दूर क्यों रहते हैं? मैंने कभी कुछ नहीं मांगा तुमसे, ना ही गहने, ना ही महंगे महंगे कपड़े, मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, और ना ही मैं अपने लिए कुछ मांगूंगी, क्योंकि मैं तो बस हमेशा सारे लोगों की भलाई और अच्छा ही चाहती हूँ। लेकिन सारे लोग मुझसे ऐसे क्यों बर्ताव करते हैं? इसमें मेरा दोष ही क्या है? मुझे बताओ, और कब तक मैं इन सब चीजों को झेलती जाऊँ, कब तक बर्दाश्त करती जाऊँ? ऐसे ही रोती हुई उसी मंदिर के पास में रहा एक गुलाब के बाग के पास चली जाती है और वहाँ बैठकर सोच रही होती है। तभी उसने देखा कि वहाँ एक बहुत ही सुंदर सा गुलाब था, जो कि पूरी तरह से चमक रहा था। वो उस गुलाब की तरफ देख ही रही थी, तभी उस गुलाब से आवाज आने लगी, अरे क्या हुआ, ऐसे तुम रो क्यों रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारी दोस्त,
आज के बाद तुम्हारे मन में जो कुछ भी होगा तुम मुझसे कह सकती हो, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। ऐसे गुलाब का बात करना देखकर करिश्मा पूरी तरह से चौंक जाती है। वो बहुत परेशान होकर ऐसे ही देख रही थी। तब गुलाब ने दोबारा से कहा, अरे ऐसे परेशान होकर मत देखो ना, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा मन बहुत अच्छा है, बहुत ही साफ है, इसीलिए मुझे तुम देख पा रही हो। तुम्हारे मन में जो भी है तुम मुझसे कह सकती हो और मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूँगा। गुलाब की ये बात सुनकर करिश्मा अपने मन की सारी बात उस गुलाब को बता देती है। फिर वो फूल करिश्मा से कहने लगता है, अरे बस इतनी सी बात, इसके लिए तुम इतनी परेशान हो, तो मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, महंगी महंगी साड़ियाँ या फिर अच्छे अच्छे गहने, या फिर तुम्हें बहुत सारा पैसा चाहिए, तुम मांगो मैं एक ही लम्हे में तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे घर वाले मुझे समझे, इससे ज्यादा मुझे कुछ और बिल्कुल नहीं चाहिए। आज अंजलि ने जो बातें कही थी उससे मुझे बहुत तकलीफ पहुंची थी, बस वो बदल जाए और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो उसे अपनी छोटी बहन मानती हूँ, लेकिन पता नहीं उसके दिल में मेरे लिए क्या है। करिश्मा का ये जवाब सुनकर वो गुलाब बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि करिश्मा ने अपने लिए कम से कम अब भी नहीं सोचा। वो हमेशा सिर्फ आगे वालों की खुशी के बारे में सोचती है, बस लोगों का दिल बदल जाए और वो अच्छे बन जाए। इतना सोचने वाला ये दिल देखकर वो गुलाब सच में बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर मुस्कुराता हुआ उससे कहता है, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, आज भी दूसरों की खुशी चाहती हो, वाह वाह, ये तो बहुत ही कमाल कर दिया तुमने, तुम इतनी अच्छी क्यों हो। अच्छा ठीक है, इस गुलाब को ले लो और यहाँ जितने भी रंग बिरंगे गुलाब हैं, सारे के सारे लेकर जाओ। और हाँ, इस गुलाब को तुम अपने बालों में लगा लेना, जैसे ही तुम ऐसा करोगी तुम्हारे कपड़े भी बदल जाएंगे और तुम्हारे गहने भी, और इससे भी ज्यादा तुम खूबसूरत लगने लगोगी। और हाँ, अगर दोबारा कोई समस्या आए तो मेरे पास आ जाना। लेकिन हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ कि तुम किस बात से परेशान हो, तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी, जैसा तुम सोचती हो वो भी हो जाएगा। अब तुम खुशी खुशी घर जाओ और जैसा मैंने कहा वैसे करो। उस गुलाब की ये बात सुनकर करिश्मा कुछ गुलाबों को लेकर अपने साड़ी के पल्लू में रख लेती है और फिर घर चली जाती है। दूसरे दिन घर में पूजा रखते हैं। उस पूजा में छोटी बहू अंजलि बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होती है, महंगी साड़ी और बहुत ही महंगे गहने भी पहनकर आ जाती है, जिसको देखकर सारे लोग अंजलि की तारीफ करने लगते हैं। कहते हैं कि इतनी महंगी साड़ी और गहनों में वो बहुत खूबसूरत लग रही है। और इधर बड़ी बहू करिश्मा भी अपने सारे काम खत्म करके अच्छे से तैयार होकर पूजा में शामिल हो जाती है। अब बड़ी बहू करिश्मा को देखकर सारे लोग और ज्यादा चौंक जाते हैं। लाल रंग की साड़ी और चमकता हुआ चेहरा, खूबसूरत चोटी और बहुत ही महंगे गहने, इस तरह से पूरी तरह तैयार होकर करिश्मा भी सारे लोगों के सामने आ जाती है, जिसको देखकर सारे लोगों की नजरें सिर्फ करिश्मा को ही ताकने लगी, क्योंकि करिश्मा उस दिन उतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब अंजलि उसको देखकर भी चौंक गई थी, सोचने लगी कि ये इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे लग रही है। अंजलि उस घर की छोटी बहू थी और तो और नई दुल्हन थी, लेकिन ये बात सारे लोग भूल चुके थे। अंजलि तो उनके पास में ही खड़ी हुई थी, लेकिन कोई भी अंजलि से एक बात तक नहीं करता था। सारे लोग जाकर करिश्मा को ही देखने लगे और तो और उससे खुद जाकर तारीफें करने लगे कि करिश्मा कितनी खूबसूरत लग रही है। अरे आखिर ये कर क्या रही है, इतनी खूबसूरत कैसे लग रही है, और इतनी महंगी साड़ी इसके पास कहां से आई, और तो और ये गहने, अरे बाप रे, ऐसे गहने तो मैंने पहले कभी नहीं देखे।
आखिर ये कर क्या रही है? नहीं, मुझे तो ये जान कर रहना पड़ेगा। मैंने सोचा कि सारे लोग मुझे देखेंगे, नई बहू समझकर मेरी तारीफें करेंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सारे लोग उसी की तारीफ किए जा रहे हैं, मुझे तो कोई फटक कर भी नहीं देख रहा। अब मैं क्या करूँ? ये सारी बातें सोचती हुई बहुत ही गुस्से और नाराजी से अपने रूम में चली जाती है। दूसरे दिन की बात है कि उनके गांव में किसी और के घर में एक छोटा सा फंक्शन था जिसमें सारे लोगों को जाना हुआ था। अब इस बार करिश्मा एक पीले रंग का गुलाब लगा लेती है, जिसको लगाते ही उसके कपड़ों का भी रंग बदल जाता है और तो और उसके गहने और चेहरा भी बहुत ज्यादा चमकने लगता है। इसको इतना खूबसूरत देखकर फिर से अंजलि जलने लगती है। इस बार तो हद ही हो गई, मैं तो ये पहचान कर रहूंगी कि ये लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे लग रही है। ये सोचकर उस पर नजर रखना शुरू करती है। एक दिन की बात है कि करिश्मा अपने कमरे में तैयार हो रही थी और उसने देखा कि वो बहुत अच्छे से तैयार होकर एक गुलाब को लगा रही थी। गुलाब के लगाते ही उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था और उसके कपड़े गहने भी पूरी तरह से चमकने लगे, जिसको खिड़की पर खड़ी अंजलि देख लेती है। तब उसको समझ आ जाता है कि ये सारा जादू उन गुलाबों का किया हुआ है। इतना सोचकर वो ठान लेती है कि ये सारे गुलाब अब वो लेकर रहेगी। एक बार करिश्मा अपने कमरे में नहीं थी, ऐसे समय में वो उसके कमरे में पहुंच जाती है और उन सारे गुलाबों को चुरा लेती है। फिर दूसरे दिन की पूजा में एक गुलाब को लगा लेती है और सोचती है कि आज तो पूजा में सबसे ज्यादा सुंदर और खूबसूरत तो मैं ही लगूंगी। ये सोचकर वो बाहर आ जाती है, जिसको देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। कुछ नहीं सोचे बगैर उसके सामने ही हंसने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं, अरे छोटी बहू, भला ये कैसे साड़ी पहनी है तूने? क्या तेरी सारी नई साड़ियाँ खत्म हो चुकी है क्या? अरे ये कैसे कपड़े पहन कर आई है तू? जरा समझा हमें भी कि कोई ऐसे कपड़े पहनता है भला। सिर्फ वो एक औरत ही नहीं, बल्कि वहाँ मौजूद सारे के सारे लोग अंजलि को देखकर हंसने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर अंजलि को बहुत दुख हुआ था और फिर उसको अपनी गलती का एहसास भी हो गया था, क्योंकि हर बार अंजलि बेचारी मासूम सी करिश्मा को ये सारे ताने सुनाती थी। उसको पता चल गया था कि जब कोई ऐसे ताना देता है तो वो दुख कैसे होता है। बहुत ही शर्मिंदा होकर वो करिश्मा के पास पहुंचती है और उससे कहती है, भाभी भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इतने दिनों से आपका बहुत मजाक उड़ाया और मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। मुझे पता चल गया है भाभी कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतनी खरी खोटी सुनाने के बाद भी आप मुझे कभी कुछ नहीं कहती थी, सब कुछ चुपचाप शांति से सह लिया करती थी। आज मुझे पता चल गया है भाभी कि जब दूसरे लोग हमें कुछ सुनाते हैं या फिर हमें तरह तरह की बातें करते हैं तो हमें कितनी तकलीफ होती है। सच कहती हूँ भाभी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं आपसे ऐसा बुरा बर्ताव कभी नहीं करूंगी, मेरा विश्वास कीजिए। अंजलि की कही ये बातें सुनकर करिश्मा बहुत खुश हो जाती है और उसको गुलाब की सारी बातें याद आती है, क्योंकि जैसे गुलाब ने कहा था कि अंजलि जरूर बदल जाएगी, वैसे ही हो रहा है। ये सब याद करके वो खुश हो जाती है और फिर अंजलि को माफ भी कर देती है। तब से लेकर दोनों सगी बहनों की तरह मिलकर जीने लगे। उन दोनों को ऐसा देखकर दो भाई यानी कि गिरिधर और श्रीधर भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सारे परिवार को ऐसे खुशी से देखकर शांता को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसको ये महसूस होने लगा कि दोनों बहुओं में उसने क्या भेदभाव किया था। ये सब कुछ याद करके अपनी बड़ी बहू के पास आकर माफी मांगती है और तब से लेकर सारे लोग एक बनकर जीने लगे। अब उनके बीच कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होता था, सब लोग एक फैसला करते और एक बात पर ही रहा करते थे, जिससे उनकी जिंदगियां खुशहाल जीने लगे।